इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। महाराष्ट्र का कोल्हापुर शहर अपनी कला, संस्कृति, खाद्य परंपरा और कोल्हापुरी चप्पलों के लिए प्रसिद्ध है। पर क्या आप जानते हैं कि कोल्हापुर महाराष्ट्र के सबसे ऐतिहासिक शहरों में से एक है? 1947 तक यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों का राज रहा और यहीं पर भारत में पहली बार सामाजिक आरक्षण लागू किया गया। ये है कोल्हापुर रियासत की कहानी। इतिहास में कोल्हापुर के महत्व के दो प्रमुख कारण थे। पहले तो था उसका जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो। अगर आप देखें तो कोल्हापुर जो है, जो उत्तर दक्षिण के जो शहर थे, व्यापारी शहर, जैसे कि पूना हो, नासिक हो, वहाँ, और जो दक्षिण में अगर आप देखें तो बेलगांव हो, बीजापुर हो, तो इन दोनों के वो बिल्कुल बीच में था। और एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो दक्षिण कोंकण के जो पोर्ट्स हैं, जैसे कि गोवापुरी, जिसे हम आज गोवा कहते हैं, मालवण का बंदरगाह हो, राजापुर हो, ये जो प्रमुख साउथ कोंकण के जो ट्रेड और कॉमर्स की जो जगहें थी, वहाँ कोल्हापुर से ही जो घाट थे वो नीचे उतरते थे। तो ये एक इंटरसेक्शन पे होने के कारण इसका बहुत महत्व था। दूसरा महत्व ये था कि अगर आप कोल्हापुर की टोपोग्राफी देखें तो वो एक ऐसे बोल की शेप में है, बहुत ही फर्टाइल एरिया, और जहां से यू नो अलग अलग नदियां हैं, तालाब हैं, तो वहां पे जमीन भी बहुत अच्छी है और पानी भी बहुत है। तो इस कारणवश बहुत प्राचीन काल से यहाँ पे लोग बसे हुए थे। कोल्हापुर शहर में देवी का एक शक्तिपीठ है जिसे अंबाबाई, काफी भावे उन्हें महालक्ष्मी का अवतार मानते हैं, उनका मंदिर है। और ये जो मंदिर है वो बहुत ही पुराना है। इनफैक्ट ये 7वीं सदी का ये मंदिर है, और जिसे चालुक्य राजाओं ने बनवाया था। और इनफैक्ट यू नो जो कोल्हापुर क्षेत्र है उसका हिंदू जो एपिक्स हैं और हिंदू जो रिलीजियस लिटरेचर है उसमें भी रेफरेंस मिलता है। कोल्हापुर जो नाम है उसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। लोक मान्यता के अनुसार यहाँ पर यू नो एक राक्षस हुआ करता था कोल्हासुर, जो लोगों को काफ़ी तंग करता था एंड ऑल, और जो देवी है वो प्रकट हुई थी और यहीं पर देवी ने उस राक्षस को मारा था। पर उस राक्षस को मारने से पहले देवी ने उस राक्षस को वरदान दिया था कि इस जगह को यू नो तुम्हारे नाम से याद रखा जाएगा, और उसी समय से कोल्हासुर राक्षस के नाम पर इस जगह का नाम कोल्हापुर पड़ा। पर इसे इतिहास में करवीर, जो आज भी लोग उसे करवीर नगरी बुलाते हैं, तो उसका एक दूसरा नाम करवीर भी है। 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में कोल्हापुर पर शिलहार राजाओं का राज था और ये उनकी राजधानी हुआ करती थी। उन्होंने यू नो यहाँ पर काफ़ी मंदिर बनाए थे, हमें इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, जो रंकाड़ा बहुत बड़ा वाटर टैंक है उसे रिपेयर किया था, जो यू नो अभी एक आइकॉन है रंकाड़ा टैंक कोल्हापुर शहर का। शिलहार डायनेस्टी जो थी वो एक लोकल साउथ महाराष्ट्र में राज करने वाली एक डायनेस्टी थी, जो बाद में फिर जो दौलताबाद के यादव साम्राज्य है उसमें वो शामिल हो गया। बाद में यादव साम्राज्य का अंत होने के बाद फिर दिल्ली सल्तनत है, बहामानी है, और बीजापुर के आदिल शाह है उनके अधीन ये शहर रहा। 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब मराठा स्वराज्य का निर्माण किया, तब उन्होंने जो बीजापुर के आदिल शाह है उनसे ये सारा इलाका कैप्चर कर लिया। इनफैक्ट शिवाजी महाराज के राज में जो पन्हाड़गढ़ का किला है वो सेकेंड रायगढ़ के बाद, उनका कैपिटल रायगढ़ के बाद सबसे महत्वपूर्ण किला माना जाता था। तो यहाँ पर बहुत ही महत्व था पन्हाड़गढ़ का।
पन्हाड़गढ़ का महत्व इसलिए भी था क्योंकि अगर आप देखें तो जो शिवाजी महाराज के जो राज में जो दक्षिण के जो पोर्ट्स थे, जैसे कि राजापुर है और मालवण के सिंधुदुर्ग, मालवण का जो बंदरगाह था, तो वहां पे जाने वाले जो दक्षिण से जो रास्ते थे वो पन्हाड़गढ़ के नीचे से ही गुजरते थे। तो उनके शासनकाल में पन्हाड़गढ़ का बहुत ही महत्व रहा। पर हमें यू नो कोल्हापुर शहर स्पेसिफिकली में शिवाजी महाराज आए हो या रहे हो, इसका रेफरेंस नहीं मिलता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद उनके बड़े बेटे छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य की गद्दी पर बैठे। पर क्या हुआ, 1689 में जब वो कोंकण में थे संगमेश्वर पर, तब मुगल फौजों ने उनको पकड़ा और उसी साल उनका ना बहुत ही क्रूर तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। तब क्योंकि उनके जो बेटे थे शाहू वो छोटी उम्र के थे, तो रियासत की बागडोर संभाली उन जो छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे बेटे थे राजाराम महाराज, और जो राजाराम महाराज की पत्नी थी महारानी ताराबाई, जिन्हें तारा रानी भी कहा जाता है, उन्होंने। और फिर पर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, जो मुगल फौज है उन्होंने छल और कपट से जो मराठा कैपिटल रायगढ़ है उस पर कब्जा कर लिया। तो जो राजाराम महाराज है और तारा रानी है वो पन्हाड़गढ़ आए और फिर वो साउथ में जिंजी के किले पर चले गए। अनफॉर्चुनेटली सन 1700 में जो राजाराम महाराज है उनकी भी तबीयत इतनी अच्छी नहीं रहती थी, तो उनका भी निधन हो गया। और तब जो तारा रानी है, जो उन्होंने जो छत्रपति शिवाजी महाराज की छोटी बहू, उन्होंने जो गद्दी संभाली। और अनफॉर्चुनेटली भारत के इतिहास में तारा रानी को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, पर सच बात तो ये है कि दशकों तक यू नो वो मुगल साथ हाथ में तलवार लेकर वो औरंगजेब की फौजों के खिलाफ और जो मुगल साम्राज्य के खिलाफ वो लड़ती रही, और वो बहुत ही अच्छी जन एडमिनिस्ट्रेटर थी, ऑर्गेनाइजर थी, और यू नो उनके जो जनरल्स थे फेमस संताजी धनाजी, वो और गुरिल्ला वॉरफेयर वो करते रहे। और इनफैक्ट एक बहुत ही कमेंडेबल बात है कि जब रायगढ़ कैप्चर किया गया तो जो जिंजी का किला है वो एक आखिरी मराठा साम्राज्य का आउटपोस्ट बचा था। उसके अलावा यू नो शिवाजी महाराज का पूरा राज्य मुगलों ने कब्जे में कर लिया था। बट एक बहुत ही कमेंडेबल बात है कि उस एक तमिलनाडु में एक किले से लेकर तारा रानी ने फिर यू नो वापस महाराष्ट्र आई, वो उन्होंने मुगलों को हराया और फिर अपना राज्य स्थापन किया। और सन 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब का निधन हो गया और जो संभाजी महाराज के जो बेटे थे शाहू, उन्हें मुगलों ने एक्चुअली कैप्चर करके उन्हें वो दिल्ली लेकर गए थे और वो वहीं पर पले बढ़े दिल्ली में। तो मुगलों ने क्या किया कि शाहू महाराज को रिहा कर दिया और महाराष्ट्र भेजा। अब जो मराठे मुगलों के खिलाफ यू नो एक साथ होकर लड़ रहे थे वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए और एक सिविल वॉर शुरू हो गया। क्योंकि क्या हुआ, शाहू महाराज ने कहा कि देखिए हम शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पोते हैं, हमारे पिताजी संभाजी महाराज छत्रपति थे, तो मराठों की राजगति हमें मिलनी चाहिए। और उनकी जो चाची थी तारा रानी, उन्होंने कहा कि नहीं, यू नो द फैक्ट इज इतने सालों तक हमने मुगलों के खिलाफ राज किया है और ये हमने फिर से राज्य स्थापन किया है, तो हमारे बेटे को राज मिलना चाहिए। तो इसकी वजह से बहुत दोनों में कलह होने लगा। तो इस तरह से मराठों के बीच में एक सिविल वॉर शुरू हुआ और शुरू में एक मराठों में काफी सस्पिशन था शाहू महाराज को लेकर, तो ज्यादातर जो मराठा सरदार थे वो तारा रानी के फेवर में थे। पर क्या हुआ, जो शाहू महाराज है उनके जो पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ,
वो बहुत ही केपेबल थे और एक अच्छे डिप्लोमैट थे। तो उन्होंने फिर धीरे 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 करके तारा रानी के जो सारे सरदार हैं उन्हें वो शाहू के साइड में ले आए, और जो सातारा जो ओरिजिनली तारा रानी का जो कैपिटल था वहां से फिर तारा रानी पनारगढ़ के किले में शिफ्ट हुई और उसे अपना कैपिटल बनाया। पर ये जो सिविल वॉर है उसकी वजह से जो शिवाजी महाराज का जो छत्रपति राज परिवार है उसकी दो शाखाएं हो गई, जो संभाजी महाराज है उनके वंशज जिन्होंने सातारा पर राज किया, और जो तारा रानी और जो राजा राम महाराज है और राजस भाई उनकी दूसरी पत्नी उनके वंशज जिन्होंने कोल्हापुर पर राज किया। पर जो दोनों परिवार है उनके बीच में कलह चलता रहा टिल 1731। 1731 में जो सातारा के छत्रपति है और कोल्हापुर के छत्रपति है उनके बीच में एक ट्रीटी हुई जिसे ट्रीटी ऑफ वारणा कहा जाता है। इस ट्रीटी के तहत जो वारणा नदी है उसे सातारा और कोल्हापुर के बीच का बॉर्डर बनाया गया। तो इसे इस ट्रीटी को कोल्हापुर रियासत का की शुरुआत हम मान सकते हैं। जो सातारा के छत्रपति है उनके बहुत ही केपेबल सरदार्स थे, जैसे कि बाजीराव पेशवा हो या उनके सरदार्स हो जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, नागपुरकर, भोसले। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो सातारा का जो राज है वो काफ़ी एक्सपैंड कर पाया। अनफॉर्चुनेटली कोल्हापुर का जो राज है वो इतना एक्सपैंड नहीं कर पाया, और आज का जो कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट है और उसके आसपास के जो एरियाज हैं बेड़गांव की कुछ एरियाज और वो सब उसी में वो सिमट कर रह गए। पेशवा काल के समय जो अलग अलग पेशवाज है उन्होंने कोल्हापुर राजगद्दी को सम्मान दिया, क्योंकि कोल्हापुर के छत्रपति जो शिवाजी महाराज के वंशज थे, पर उन्होंने कोल्हापुर को कभी ताकतवर बनने नहीं दिया। और फिर अगर आप देखें तो जो पेशवाओं ने क्या किया, अपने जो सरदार थे जो स्पेशली पटवर्धन उन्हें जैसे कि सांगली मिरज हो, जमखंडी हो या कुरंदवाड़ हो, ऐसे अपने ठिकाने बनाकर कोल्हापुर को तीनों तरफ से सराउंड कर लिया ताकि वो एक्सपैंड ना कर पाए। सन 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के समय जो ब्रिटिश हैं उन्होंने पेशवा बाजीराव द्वितीय को हरा दिया और उन्हें बिठूर भेज दिया और पेशवाई खत्म हो गई। तब कोल्हापुर और आसपास की जो रियासतें हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गई। अंग्रेज आने के बाद कोल्हापुर के इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हो गया। उस समय कोल्हापुर तो एक फ्यूडल बैकवाटर था, तो अंग्रेजों को कोल्हापुर रियासत में इतना इंटरेस्ट नहीं था। पर 1844 में यहाँ पर एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ जो ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। इसे गडकरी सा बंडर या किलेदारों का विद्रोह कहा जाता है। तो क्या हुआ, कोल्हापुर रियासत में बड़े बड़े किले थे जैसे कि पनारगढ़, विशाड़गढ़, बुदारगढ़। तो वहां पर जो लोग थे उन्होंने अंग्रेज सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था जिसे 1845 में सप्रेस किया गया। और उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि ये जो स्पेक्टेक्युलर किले थे उन्हें लिटरली डायनामाइट से, गोला बारूद से उड़ा दिया गया। तो आज अगर आप देखें पन्हाड़गढ़ का किला तो वो सिर्फ बचे हुए अवशेष है, बिकॉज जो एक्चुअल जो उसका जो शान थी वो अनफॉर्चुनेटली 1845 में ही खत्म हो गई थी। फिर से 1857 में लोग सोचते हैं कि सिर्फ उत्तर हिंदुस्तान में ही विद्रोह हुआ था, पर सच बात तो ये है कि उस समय के जो छत्रपति थे उनके छोटे भाई चीमा साहेब उन्होंने कोल्हापुर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, और कोल्हापुर में एक बहुत आइकॉनिक बिल्डिंग है नगार खाना, उसी के सामने अंग्रेजों ने एक झड़प हुई थी और अंग्रेजों ने उस विद्रोह को खत्म किया था और चीमा साहब को एज अ प्रिजनर कराची भेजा गया जहां पर उनका निधन हो गया। और ये चीमा साहब की कहानी भी ज्यादा लोगों को महाराष्ट्र में पता नहीं है। तो उसके बाद अंग्रेजों को लगा कि जो कोल्हापुर के शासक है उन्हें हमें वेस्टर्नाइज करना चाहिए, एंग्लिसाइज करना चाहिए।
तो लेट 1860s में जो उस समय छत्रपति थे उनका नाम भी राजा राम था, उन्हें बहुत ही इंग्लिश तरीके का एजुकेशन दिया गया एंड ऑल। और इनफैक्ट 1870 में यूरोप जाने वाले ऑन अ स्टेट विजिट जो राजा राम थे वो पहले इंडियन महाराजा थे। अनफॉर्चुनेटली जो उस समय के जो राजा राम हैं उनका इटली में फ्लोरेंस में निधन हो गया और उन्हें 1870 में वहाँ पर क्रिमेट किया गया। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि फ्लोरेंस शहर के बीचों बीच आर्नो नदी के तट पर कोल्हापुर के छत्रपति राजा राम महाराज की समाधि, मार्बल की समाधि बनी है। और जो जो भी भारतीय लोग फ्लोरेंस जाए तो वो समाधि जरूर देखें। 1883 में राजश्री शाहू महाराज जो ग्रेट सोशल रिफॉर्मर किंग है भारत के, वो कोल्हापुर की राजगद्दी पर आए और उन्होंने सच मायने में कोल्हापुर को भारत के नक्शे पर डाला। उनकी कहानी कुछ मिलती है बड़ौदा के जो सयाजीराव गायकवाड़ है उनसे, वो भी अडॉप्ट हुए थे कोल्हापुर की राजगद्दी पर। और फिर उन्होंने जो कोल्हापुर है जो उस समय बहुत ही फ्यूडल एक पिछड़ा हुआ एक रियासत थी, वहाँ पर उन्होंने रिफॉर्म्स लाए, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम वहाँ पर शुरुआत की। और 1902 में सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने भारत में पहली बार जो रिजर्वेशंस हैं वो उन्होंने कोल्हापुर स्टेट में इम्प्लीमेंट किए, जिसमें जो 50% जो आरक्षण था वो जो बैकवर्ड क्लासेस है जो नॉन जिन्हें उस समय नॉन ब्राह्मण क्लासेस कहा जाता था तो उनके लिए वो उन्होंने आरक्षित की। उसके बाद उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ उन्होंने लेजिस्लेट किया। इनफैक्ट कोल्हापुर में उस समय इंटरकास्ट मैरिजेस के फेवर में उन्होंने काफ़ी काम किया। नॉट ओनली दिस, उन्होंने जो मुंबई पुणे वहाँ के जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्हें फाइनेंशियली मदद की। कोल्हापुर में उन्होंने जो एक मेडिकल सिस्टम की शुरुआत की, उन्होंने इनफैक्ट जो इंडस्ट्रीज हैं उसे स्थापन करने के लिए बिजनेस लोगों को मदद की एंड ऑल। तो जो कोल्हापुर शहर का एक्चुअल विकास हुआ वो राजश्री शाहू महाराज के समय पर हुआ। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये जो रिजर्वेशन की जो आइडिया है वो फिर बाद में कोल्हापुर से ही पूरे भारत भर में फैली। सन 1922 में शाहू महाराज का निधन हो गया और फिर उसके बाद उनके बेटे उनका भी नाम राजा राम था वो गद्दी पर आए। उनके समय पे भी कोल्हापुर का विकास हुआ। 1940s की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय यूरोप में काफ़ी रेफ्यूजीज थे और जो जहाज से भारत आ रहे थे शरण लेने के लिए, तो पोलैंड से जो रेफ्यूजीज आए तो उस समय जामनगर में जो रेफ्यूजी वहाँ पर एक पोलिश कैंप बना था। और जो दूसरा महत्वपूर्ण पोलिश कैंप था वो था कोल्हापुर के पास वालीवड़ी करके जगह है, वहाँ पर एक पोलिश जो रेफ्यूजी सेटलमेंट बनाया गया। और फिर भारत के इंडिपेंडेंस के बाद जहाँ पर सिंधी रेफ्यूजीज आकर बस गए। और एक बात 1940s में हुई कि जो मराठी फिल्म इंडस्ट्री है तो यहाँ पर कोल्हापुर में काफ़ी स्टूडियोज बने कोल्हापुर राज परिवार के पेट्रोनेट के कारण। और जो मराठी फिल्म इंडस्ट्री है उसका जो रूट्स हैं वो कोल्हापुर से ही फैले। और 1947 में कोल्हापुर रियासत भारत में विलीन हो गई और अभी के जो वहाँ के जो राज परिवार के सदस्य हैं संभाजी छत्रपति वो राज्यसभा के मेंबर हैं, तो वो पुल पॉलिटिक्स में अभी भी एक्टिव है एंड ऑल। और कोल्हापुर आई थिंक सबसे बड़ी जो लेगेसी यहाँ के परिवार की है वो है यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कला,
यहाँ की खाद्य परंपरा जो महाराष्ट्र में एक काफी यूनिक है।